अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितने पैसे वो कमाते हैं उनको उससे ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, और वो लोग हमेशा कम पैसे कमाकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचने के लिए नहीं होता, वो केवल वही करता है जिसे आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। आपको ये समझना होगा कि अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को आकर्षित करने के लिए आपको केवल सोचना नहीं है, बल्कि आपको काम भी करना है, यानी एक्शंस लेने हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जितने पैसे आप अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं उन पैसों को कमाने के लिए आपके अंदर अनलिमिटेड टैलेंट और एबिलिटी है। ज़रूरत है तो केवल अपने टैलेंट और एबिलिटी को बाहर निकालने की। और नाइटिंगेल कहते हैं, जितना काम हम कर सकते हैं और जिन गोल्स को हम हासिल कर सकते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन हम अपनी सोच के दायरे को कम करके बहुत कम काम करने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे गोल्स बनाते हैं और सोचते हैं कि इस काम को वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसे कमाने के केवल दो तरीके होते हैं, या तो कोई इंसान पैसा कमाता है या फिर पैसा पैसे को कमाता है। बॉब प्रॉक्टर हम सबसे पूछते हैं, क्या आपने कभी खुद को पेमेंट की है? इस दुनिया में 100 में से केवल 5 लोग खुद को पेमेंट देते हैं। बेबीलोनियन लॉ ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस के अनुसार आपको हमेशा पहले खुद को पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जितने पैसे आप कमाते हैं उनमें से कुछ पैसे केवल आपके लिए होने चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकाउंट खोलना चाहिए और उसमें अपनी इनकम का 10% जमा करना चाहिए। उन पैसों को तब तक जमा करते जाना है जब तक इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते कि आप उन पैसों का इस्तेमाल एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में कर सकें। फाइनेंस के संबंध में इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। नंबर 1, डेफिसिट पोजिशन, यानी वो लोग जो कर्ज में होते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए लोन या किसी से उधार लेते हैं। नंबर 2, ब्रेक इवन पोजिशन, यानी वो लोग जो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उन्हें किसी से उधार या लोन ना लेना पड़े। नंबर 3, सरप्लस पोजिशन, यानी ऐसे लोग जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा कमाते हैं। जो लोग डेफिसिट फाइनेंशियल पोजिशन में होते हैं वो लोग जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा खर्च करने की उनकी आदत होती है, और जो लोग ब्रेक इवन फाइनेंशियल पोजिशन में होते हैं वो लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा खर्च करने की उनकी आदत होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।